ऊंचे नीचे रास्तों पे चलती, आती जाती हर सांस पे पलती, यादों के कोनों में कहीं दुबक के बैठी, कभी नजर के सामने खुलकर निकलती। एक कहानी ये भी। रश्मि फूल की पत्तियां तोड़ तोड़कर एक तरफ फेंके जा रही थी, मनी मन सोचते भी जा रही थी। बगल की टेबल पर अकेला बैठा रोहित बोला, हेलो मैडम, आपका निशाना खराब नहीं है, मैं ही शायद गलत एंगल पर बैठा हूं। रश्मि चौंकते हुए बोली, जी? रोहित बोला, जी आपने फूल की जितनी भी पत्तियां फेंकी एक भी मुझे नहीं लगी। रश्मि बोली, ओ आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही किसी और का गुस्सा, आई एम सॉरी। रोहित रश्मि की टेबल पर आते हुए बोला, सॉरी की क्या बात है, मैं सामने बैठ जाता हूं, आप भी बोर नहीं होंगी और निशाना भी ठीक लगेगा। रश्मि की हंसी निकल गई और रोहित की बातें निकल पड़ी। रश्मि सचिन का इंतजार कर रही थी। सचिन को एक साल से जानती है, देर से आना सचिन की आदत बन चुकी है। आकर एक नया बहाना, अगली बार फिर देर से आना, फिर नया बहाना। आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए, रोहित बोला। जी ब्रेकअप? रश्मि ने चौंकते हुए पूछा। रोहित बोला, हां डिवोर्स होने के लिए आपको उस लेट लतीफ से पहले शादी करनी पड़ेगी। शादी से पहले तो ब्रेकअप ही हो सकता है ना? रश्मि बोली, नहीं नहीं आई मीन कोई और रास्ता नहीं है। रोहित बोला, है ना, अगली बार से गेंदे के फूल लेकर इंतजार कीजिएगा, उसकी पत्तियां छोटी होती हैं और इस वाले फूल से ज्यादा होती हैं, देर तक टाइम पास होगा। रश्मि बोली, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए, लेकिन। तभी रश्मि के फोन की घंटी बजी, सचिन था। रश्मि ने थोड़ी देर बात करके फोन काटा और कहा, वो 10 मिनट में आ रहा है। रोहित उठते हुए बोला, तो मैं चलता हूं, आने दो, हिम्मत रखो, हैप्पी ब्रेकअप। रश्मि की फिर हंसी निकल गई, रोहित चला गया। आधे घंटे बाद रोहित कॉफी हाउस में वापस लौटा, देखा रश्मि एक लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही है। रोहित ने आओ देखा ना ताव और गुस्से में रश्मि से बोला, तो इसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया है? रश्मि चौंकते हुए बोली, लिसन मैं। रोहित आगे बोला, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था जब तुमने रोहन के लिए आदि को छोड़ा था। रश्मि हैरानी से बोली, आदि कौन? मगर रोहित नहीं रुका, आदित्य, तुम्हारे लिए बेचारे ने अपने हाथ की नस काट ली थी, याद नहीं? वो लड़का उठते हुए बोला, गाइज मैं चलता हूं। उसके जाते ही रश्मि बोली, क्या था ये सब? रोहित बोला, जो भी था सचिन गया ना। रश्मि ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ये सचिन नहीं था, कॉलेज टाइम का फ्रेंड था, यहां पेस्ट्रीज लेने आया था, हेलो बोलने के लिए रुक गया था बेचारा। रोहित बोला, ओ और सचिन? रश्मि बोली, वो आया ही नहीं, काम में फंस गया कहीं। रोहित धीरे से बोला, ओ एक कोल्ड कॉफी पिए, बिल मैं दूंगा। कॉफी पीते हुए रोहित बोला, आजकल भरोसे का जमाना ही नहीं है ना, लोग ब्रेकअप के लिए भी टाइम पर नहीं आते हैं। रश्मि कॉफी का घूंट भरते हुए बोली, गुस्सा कॉफी के झाग की तरह बैठता जा रहा है, शाम का पर्दा गिरता जा रहा है। रोहित और रश्मि कॉफी पीते हुए सोच रहे हैं, अफसोस करें या शुक्र मनाएं।